भाग्य विधाता है और इस देश के भाग्य विधाता भी आपको ही बनना होगा और आप बन सकते हैं। तो कैसे बने हम एक आदर्श भारतीय और एक महान देश, सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल, कौन है भारत भाग्य विधाता, एक तलाश वल्लभ भंसाली के साथ। आयोजक है बर्जो रंगोली इजी क्लीन और इंडसइंड बैंक। ये है TVAG और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। प्रेजेंटेड बाय RR का बेल वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड के बजट स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम आपको पूरे देश के रियल एस्टेट सेक्टर का जायजा देते हैं, आपकी मदद करते हैं एक बेहतर घर खरीदने में और आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं अगर आपको कमर्शियल रियल एस्टेट में तो इन्वेस्टमेंट करना है। बहरहाल, मार्च का महीना शुरू हो चुका है और आने वाला है देश का आम बजट। जाहिर है आपके साथ देश के सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर में से एक यानी रियल एस्टेट की निगाहें भी इस पर टिकी हुई हैं। देश में तेजी से बढ़ती हाउसिंग समस्या को रफ्तार और दिशा देने के लिए इस बार वित्त मंत्री क्या करते हैं, इसका सबको इंतजार है। लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एक आम आदमी के घर के सपने को सच करने के लिए वित्त मंत्री को क्या करना होगा, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए वो कौन सी बातें हैं जिन पर ध्यान देना वित्त मंत्री के लिए जरूरी हो चुका है और देश में दूसरे सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वो कौन से फैसले हैं जिन्हें लेने का वक्त अब आ चुका है। हमारी इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं मुंबई के रुस्तम जी, डेवलपर्स के CMD और मुंबई चैंबर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री के सेक्रेटरी बोमन ईरानी, मुंबई के सुनील मंत्री ग्रुप के चेयरमैन और MCHI के पूर्व प्रेसिडेंट सुनील मंत्री। साथ ही दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम्रपाली बिल्डर्स के MD अनिल शर्मा और बंगलुरु से हमारे साथ हैं शोभा डेवलपर्स के CMD JC शर्मा। आप सभी का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत हम करते हैं सुनील जी, पहला सवाल आपसे। बजट आने वाला है, हर बार हम अपनी मांगे रखते हैं या स्टेट सेक्टर अपनी मांगे रखता है, इस बार वो कौन सी मांग है जिसे आप सबसे पुख्ता तौर पर पुरजोर तौर पर वित्त मंत्री के सामने रखना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट क्षेत्र एक देश की ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम रखता है। जबकि हमें ग्रोथ 6.1% पे आ चुकी है तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक क्षेत्र के लिए कुछ अधिक सुविधाएं दे। सबसे पहली बात है कि ATIB जिस वजह से छोटे घरों का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था, वित्त मंत्री जी ट्राई करें कि ATIB फिर से एक बार शुरू करें ताकि छोटे और अफोर्डेबल मकान बन सके, ये पहली बात। दूसरी बात है जो होम खरीदने पे 1.5 लाख डेढ़ लाख डिडक्शन मिलता है जिसमें केवल आप 12 या 13 लाख का मकान ही खरीद सकते हैं जब कीमतें बढ़ चुकी है। ये 2001 के इंडेक्स पे बेसिस पे था तो मेरा ये मानना है 3 से 5 लाख के दरमियान डिडक्शन परमिसिबल करना चाहिए। तीसरी बात ये रहेगी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 साल की लॉक इन है और जबकि स्टॉक मार्केट में हम कंपेयर करते तो 1 ही साल का पीरियड है, तो ये हमारी गुजारिश रहेगी कि उसे पीरियड 1 साल कर दें। और टैक्सेशन का रेट 20% है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, जो मैं उम्मीद रखता हूं कि उसको घटाकर स्टॉक एक्सचेंज के समान अंतर पर 10% के हद तक सीमित कर दें। और एक सबसे महत्वपूर्ण डिफिकल्टी सभी डेवलपर्स को और कंज्यूमर्स को फेस करनी पड़ रही है जो सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स के माध्यम से करीबन 2.7 ऑलमोस्ट 3% जो भी मकानों का निर्माण है वो कंज्यूमर को पे करना पड़ता है, जिससे मकान की कीमत 3% स्ट्रेट वे बढ़ रही है। तो हमारी ये भी गुजारिश रहे कि सर्विस टैक्स पे दोबारा फिर विचार करें। तो आमतौर पे मेरा मानना है कि ये हाउसिंग क्षेत्र के लिए थोड़ा सा एक इंडस्ट्री स्टेटस अगर वित्त मंत्री जी देने का विचार करें तो ये क्षेत्र के विकास होने से इसके पीछे जो 250 इंडस्ट्री चल रही है उसी को सभी को सपोर्ट मिलेगा, आम आदमी को एक कम दामों पे मकान मिलने का सपना शायद पूरा हो सकेगा और डेवलपर्स अधिक तेजी से काम करें तो काफी बड़े पैमाने पे रोजगार और ग्रोथ जो 6.1% पर हम सीमित हो रहे हैं वो काफी हद तक बढ़ सकती है। बोमन, यहां पर ग्रोथ का भी सवाल मंत्री जी ने उठाया, साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स गिनाए तो कुछ कंज्यूमर की साइड, कुछ डेवलपर की साइड पे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एज ए डेवलपर आप क्या चाहते हैं, कौन सी जो समस्या है या कौन सी प्रॉब्लम है उनको इस बजट में एड्रेस मिले? पहली बात तो मैं सुनील ने जैसे बताया
कि देयर शुड बी क्लैरिटी, एक तरह की क्लैरिटी लाइए आपके टैक्सेशन सिस्टम में. आप जितनी इनडायरेक्ट टैक्सेस चार्ज करते हैं ये सारे डेवलपर्स पास ऑन करते हैं टू द एंड होम यूजर बायर. ये आप इनडायरेक्ट टैक्सेसों को कम कीजिए, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस देयर इज नो क्लैरिटी एक काहे के लिए चार्ज की गई है, और इस इंडस्ट्री को इतना इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन देने से यू नो 250 अदर इंडस्ट्रीज जो इस पे डिपेंडेंट है, और उससे ज्यादा जो होम बायर है उसको जो एडिड कॉस्ट आती है उस पर बहुत हैवी आता है. मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक और रेगुलेटरी बॉडी भी बनाई जाए विच कैन यू नो गवर्न दिस इंडस्ट्री, बट उसके बिफोर दैट आई वॉन्ट द गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री. और गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन मैं इस तरह से चाहता हूं कि दे बिकम अ पार्टनर इन अ वे के ऑल अप्रूवल्स दैट आर सपोज टू कम इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दैट कैन ऑल्सो बी समथिंग जो वो कर सके. चलिए, आप चाहते हैं कि एक रेगुलेटर बॉडी भी आए, और साथ में जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस वाली बात जो हमेशा उठती रही है कि आपको फटाफट क्लियरेंस मिले चीजों का ताकि आप तेजी से काम कर पाए. इससे कॉस्ट भी काफी कम हो जाएगा, कॉस्ट भी कम होगी और लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी. अब हम चलेंगे दिल्ली आम्रपाली बिल्डर्स के अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं. शर्मा जी, जैसा यहां पे अभी बोमन और सुनील दोनों ने ही कई पॉइंट्स उठाए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहां पर जो बात अभी बोमन ने कही कि बहुत वक्त लगता है क्लियरेंसेस में, जल्दी से ये क्लियरेंसेस पास हो, ऐसे एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बने, और साथ ही रेगुलेटर की भी बात उन्होंने कही. ये दोनों ही काफी पुरानी बातें हैं जो लगातार उठती आई हैं. आप क्या कहते हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा इंडस्ट्री के ऊपर और कितना फायदा होगा? जी बिल्कुल, आजकल जो शहरीकरण हो रहा है और आप देख रहे हैं कि जो जीडीपी का 70% जो कंट्रीब्यूटर है एक तरह से शहरी क्षेत्र है, और शहरी क्षेत्र में अगर आप देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग फ्लोटिंग पॉपुलेशन के कारण अफोर्डेबल हाउसिंग का डिमांड बहुत ही ज्यादा है. वैसे संदर्भ में पहला तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत दिनों से ये डिमांड कर रहा है कि एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, उसके बाद इसे रेगुलेट किया जाए. लेकिन जो आम बायर्स हैं, मिडिल क्लास बायर हैं, लोअर मिडिल क्लास बायर्स हैं, जो शहरीकरण के कारण और उनको अफोर्डेबल होम्स नहीं मिल पा रहा है, उनको सपोर्ट करने के लिए उनके टैक्स लिमिट जो उनके ईएमआईस पे मिलते थे उसको बढ़ाया जाए. दूसरा, जो उनको एग्जम्पशन मिलता था उस एग्जम्पशन को एटीआईबी के तहत जो डेवलपर्स को एग्जम्पशन मिलता था अफोर्डेबल होम्स के लिए उसको एक्सटेंड किया जाए. ये सारी तमाम जो बातें हैं, टैक्स की छूट है, सीमेंट और स्टील के प्राइसेस भी बेतहाशा बढ़ता रहता है, जो हमारा मेन कंपोनेंट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, उस पर कहीं ना कहीं कोई न कोई सिस्टम बनाई जाए जिससे वो भी रेगुलेट हो सके. जी बिल्कुल, यहां पर अब एक राय लेते हैं हम जेसी शर्मा जी से चलेंगे बेंगलोर. शर्मा जी, जैसे यहां पर कई सारी बातें उठाई यहां पर शर्मा जी ने, अनिल शर्मा जी ने कहा कि एटीआईबी को फिर से इंट्रोड्यूस किया जाए, या फिर जो आपको टैक्स रिबेट मिलती है उसको बढ़ाया जाए. 10 साल से वो एक ही अमाउंट पे मिल रहा है, इन्फ्लेशन 10 से 12% तक बढ़ चुकी है. आपको क्या लगता है इन सब कदमों से इंडस्ट्री को एक पुश मिलेगा? निश्चित रूप से. देखिए, अगर आप हमारी इंडस्ट्री को गौर से देखेंगे और समझेंगे तो सबको एक मत होंगे कि ये इंडस्ट्री जो है हाईएस्ट टैक्स इंडस्ट्री है. हमारी तो रिक्वेस्ट प्रणब मुखर्जी साहब से यही रहेगी कर कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी ने आज 1991 के अंदर में एक ड्रीम बजट पेश किया था, उसी तरीके से इंडस्ट्री की बात समझें, जनता की बात समझें, और एक ऐसे मौके पर जबकि फिस्कल डिफिसिट बढ़ रहा है वहां पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को प्रायोरिटी सेक्टर में डालकर, जो हमने कहा है कि इंटरेस्ट रेट जो आज एक बोरोवर अब्जॉर्ब कर रहा है, आज जो एटीआईबी की बेनिफिट हमें नहीं मिल रही है, इन चीजों के ऊपर में सीरियसली विचार करके निश्चित रूप से जो है इस काम को आगे बढ़ाए ताकि सरकार के टैक्सेज बढ़ सके, फिस्कल डिफिसिट कम हो सके, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, और साथ साथ में हम जो है आदमी को जो है एक अच्छी रेट के अंदर में, अफोर्डेबल रेट के अंदर में घर मुहैया करा सके. चलिए, तो यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स शर्मा जी ने भी गिनाए जिसकी जो मांगे हैं वित्त मंत्री से उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने की, और उसके अलावा जैसा कह रहे हैं ग्रोथ काफी हैम्पर कर गई है, 6 के आसपास आ चुकी है सही मायनों में, उसको भी दूसरी तरफ टैकल करना है, तो शायद यही इंडस्ट्री हाउसिंग सेक्टर ही होगा जो उसको बूस्ट दे पाएगा. लेकिन और क्या क्या वित्त मंत्री को इस बार करना ही होगा इस बजट के दौरान, उन सब पर चर्चा होगी विस्तार से, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद. Ashton Ball.